नहीं टूटेगा, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं खाना, ब्रेड टूटेगा। मैंने कहा आप खाना खाइए। ब्रेड टूटेगा, बैठिए इधर, ब्रेड टूटेगा। मैंने ब्रेड टूटेगा, चलिए बैठिए और खाना खाइए। मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ ना, इस खाने को खाइए। मुझे पूजा करने जाना है, मैं पूजा करके आती हूँ। खत्म कर देना। नहीं 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 नहीं, ब्रेड टूटेगा, ब्रेड टूटेगा, ब्रेड टूटेगा। दिल तो करता है इसे अपने हाथों से मौत के मुंह में पहुंचा, अगर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हो जाएगा साहब, आज होना चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ करके बच ही जाता है, इस बार इसका मुंह काला करने का सोचा, फिर बच गया। कुछ अच्छे कर्म किए इसने पिछले जन्म में, अगर कोई है उसके लिए दुआ कर रहा है। पहचानो, तुम उस दिन मेरी गाड़ी की डिक्की में बंद हो गए थे। वो मैं वो अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। आज क्या हुआ? ये टूट गई, अभी मुझे बहुत लंबा जाना है, कैसे जाऊंगा पता नहीं। यहाँ क्या कर रहा है? ये कुछ भी कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ सकता हूँ। सच्ची? मुझे उस दिन गाड़ी की डिक्की में गए थे, आज आगे बैठ के चलना। ठीक है। बाप ने मुकेश चाचा के लिए कुछ दिया है। आपकी गाड़ी एकदम चकाचक है। अंदर से और भी अच्छी है। क्या करते हैं तुम्हारे बाबू? बिजनेस। मतलब बिजनेस। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? कमरा नंबर 23। और ये कमरा नंबर 23 कहाँ पर था? पता तो मालूम नहीं, बाबू ने रास्ता समझाया है, यहाँ से सीधा ले लो। भागा भागा भागा, चल 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 चल।
इतनी देर लगाती हो? मॉम को दवाई देना भूल गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करूंगी। मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि कब चांद निकले मेरे पेट में कुछ जाए। तुमने इस साल भी व्रत रखा है? कभी ऐसा हुआ है पिछले 7 सालों में कि तुमने व्रत रखा हो और मैंने खाना खा लिया हो? पिछले साल जब 10 मिनट देरी हुई थी ना चांद निकलने में, तब तुमने तांडव किया था। और मैंने तभी कह दिया था कि नेक्स्ट टाइम से तुम व्रत मत रखना, क्योंकि तुम्हें तो बस अपनी भूख की फिक्र है, मेरी तो है नहीं। जाओ जाके खाना खा लो, मैं भी जीजी माँ की तरह तस्वीर देख के व्रत तोड़ लूंगी। मेरा चांद मेरे सामने खड़ा है, मैं तो जब चाहे व्रत तोड़ लूं, लेकिन तुम्हारे साथ आसमान के चांद का इंतजार करना मेरा प्यार है और मेरा हक भी। आगे से राइट ले लो। ये तो राधा जी की पोल का रास्ता है, यहाँ कहाँ जाना था? अरे बताया था ना मैंने कमरा नंबर 23, पर ढूंढूंगा कैसे? मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, तो वापस आ जाओगे ना? हाँ, मैं काका को बोल दूंगा, वो मुझे घर छोड़ देंगे। ठीक है। गोली छिड़के निकली हो जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा प्लीज। अस्पताल फोन मुझे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चलिए भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, छोटे भैया आप एक बार पट्टी करा लीजिए, मैं लेके जाऊंगा आपको। भैया इनकी चोट पे चूना लगा देना, उससे खून रुक जाते हैं। मेरे बाबू भी ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर को बुला रहे हैं बेटा, बेटा ध्यान से लेके चलिए। डॉक्टर से बात हो गई है, वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा बैंडेज करने के लिए। जी जी माँ, बैंडेज। ये सो क्यों रहे हैं? वो ज्यादा खून बह गया है ना, तो बेहोश हो गए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा।